हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और जी हाँ, छोटा सा 3-4 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखिए, बहुत ही काम का है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, संविदा, प्राइवेट, ठेका, जो भी कर्मचारी हो, उनके लिए एक बहुत ही धमाकेदार खबर आई है। लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है उसके बाद कर्मचारियों के मन में एक उम्मीद ही रहती है। अभी MP में बहुत ही धमाकेदार चुनाव हुआ है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की जनता, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे अपना ऑफकोर्स UP हो, सभी के लिए खबर है। जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार के, उनके लिए खबर आई है। वैसे तो 3 तारीख को लगभग 10:30 बजे ही खबर छाप दी थी गवर्नमेंट ने कि भैया इतने आउटसोर्स कर्मचारी है, इनके लिए पक्के करने की या संविदा में करने की तैयारी चल रही है। लेकिन ध्यान दे, सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं है। अपनी आवाज़ उठाते रहे, जिन जिन के शपथ पत्र, वचन पत्र या संकल्प पत्र में जो लिखा है, पूरे आउटसोर्स कर्मचारी अपना मुद्दा उठा के हड़ताल की तैयारी में है, क्योंकि 1-2 महीने में हक नहीं मिला तो बहुत ही भयानक हो सकता है। क्योंकि सरकार ने वादा किया था, और एम्प्लॉय आउटसोर्सिंग न्यू पॉलिसी राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारी को जल्द से जल्द महत्वपूर्ण न्याय मिलेगा। सरकार की व्यवस्था के तहत आउटसोर्स में किए जाने वाले को नियमित रूप से उनका भुगतान किया जाएगा, PF ESIC। अरे भाई, 18-20 साल से सरकार थी, अभी तो इनने बढ़ाया नहीं, तो अभी एक मध्य प्रदेश में तो एक उम्मीद ही रख सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरे आउटसोर्स कर्मचारी को अपनी आवाज़ उठाना है, पूरा दल बना लो, आवाज़ उठाओ, नहीं तो भैया MP में बहुत ही बेकार सा हो जाएगा, क्योंकि एक उम्मीद ही रख सकते हैं आप, है ना। तो वैसे तो कुछ दिन पहले की बात है, कांग्रेस ने वादा किया था पूरे कर्मचारी, लेकिन पता नहीं चुनाव रिजल्ट को देख के पूरे कर्मचारी कंफ्यूज हो गए कि अरे ये क्या हो गया। क्योंकि अधिकतर मैं तो गली मोहल्ले पड़ोस में जितना भी चलता हूँ, मुझे तो बस एक ही खबर सुनाई आती है, अरे कैसे हार गए। तो स्पेशल रिपोर्ट भी आई है आउटसोर्स कर्मचारी चुनाव को लेके, वो थोड़ा सा एक मिनट इसको थोड़ा भाई देखना जरूरी है ना, क्योंकि चुनाव यानी कि गरीब, मजदूर, किसान, युवा, व्यापारी, छोटे व्यापारी, ये सभी जिंदगी रोजी रोटी का सवाल है। अब कैसी आज तक ने स्पेशल न्यूज़ छापी है कि चिप वाली मशीन हैक किया जाता है। सभी लोग बोल रहे हैं कि भैया EVM में धांधली हुआ है, चुनाव हार नहीं सकते, जनता का पूरा भरोसा था। क्योंकि होता क्या है ना, चुनाव में आउटसोर्स कर्मचारी का बहुत बड़ा मुद्दा था कि इनको परमानेंट करेंगे, पक्के करेंगे, कांग्रेस ने साफ साफ बोला था। लेकिन अचानक कैसे हार गई, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, किसी को यकीन तो नहीं हो रहा। लेकिन क्या करें, इसमें साफ साफ लिखा है तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, ZPM मिजोरम में जीती है। वो ZPM पता है, ये एक आम आदमी पार्टी है ना, उस टाइप की पार्टी है, निर्दलीय जीत गया वहाँ, तो सुपड़ा साफ हो गया BJP का, मतलब कि अलग अलग टाइप से वहाँ किसी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने शायद 1 या 2 सीट जीती है, BJP ने शायद 1 या 2 सीट जीती है, ZPM जीत गया, सोचो 5 साल पुरानी पार्टी। तो दो राज्य में बेसिक देखा जाए तो BJP हारी है, 3 राज्य में BJP जीत गई है। अब चलो ठीक है, जो भी हो भाई, गलत हो, फर्जी हो, कैसा भी हो, लोग तो बोल रहे हैं, ये तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, स्पेशल आज तक ने छापी है, ये बोल रहे कि सब लोग बोल रहे EVM में धांधली हुई है। अब जो भी हुआ है, अगर धांधली हुई होंगी तो गरीब, मजदूर, किसान, देखो माहौल देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जीते हैं वही अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन भाई जनता तो मुझे, जिसको भी मैं पूछ रहा हूँ, एक दिन में मैं 1000 लोगों से मिल जाता हूँ, 1000 लोग दुखी है क्योंकि हक नहीं मिला। गरीब किसान तो भाई डूब जाएगा, MP का किसान का गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो डूब जाएगा, और आउटसोर्स तो पूरा ही मुझे लगता है डूब सकता है, अगर आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठाओगे तो। तो बहुत सारी खबर आई है, सरकार बोल तो रही है कि नहीं नहीं चिंता नहीं करो, हम करेंगे, पैसा बढ़ाएंगे, संविदा करेंगे, पक्का करेंगे। ये देखो 3 तारीख को चुनाव के दिन ही न्यूज़ छाप दी गई थी, ये स्पेशल लिंक वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा, mpbreakingnews.in पर भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सभी राज्यों से लगभग खबर यही आ रही कि भैया चुनाव आउटसोर्स के लिए सभी तैयारी कर ली है,
सैलरी बढ़ाएंगे या संविदा में करेंगे, बहुत सारे ऐसी बातें हो रही है और न्यूज़ भी छाप छाप के आ रही है, ऑफिशियल न्यूज़। इनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है भाई, तो इनको डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। एक मुद्दे की बात है कि आप कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ चारों तरफ ईवीएम का बवाल मचा है। अरे ठीक है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो सभी पार्टी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं जाती? अगर आपको भी न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो कर्मचारी के लिए स्पेशल नियम है। अगर सरकार के वचन पत्र, शपथ पत्र या जो भी पत्र में लिखा है कि आउटसोर्स को हमने ये बोला था, अगर ये 2-3-4 महीने में नहीं देते हैं तो आपको भी हक है, आप भी सुप्रीम कोर्ट में 100-200 लाख-1000 लोग मिल के PIL डाल सकते हो। क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में यही तो हुआ था। तो 5000 आउटसोर्स कर्मचारी को पक्का किया है कि नहीं किया है अभी? तो आप लोगों को अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा। 100-200-400-1000 लोग मिल के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एक PIL डालोगे तभी, अगर सरकार अपने मन से जो उनने वादा किया है, जैसे अभी BJP में MP है, सब जगह, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सब में तो MP BJP जीत गई है, जो इन्होंने आउटसोर्स सुविधा प्राइवेट ठेका कर्मचारियों के लिए बोला है, अगर वो पूरा नहीं किया तो, जैसे कि दिल्ली में अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था, तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी झाड़ू ने, याद है वो अभी हड़ताल हुई थी, तो एक झटके में, वैसे तो वो अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल और करते भी है, उनका काम ये कर्मचारी को नौकरी देना पक्का करते हैं, लेकिन वो जो 4-5 हज़ार जो अपने कर्मचारी थे, जैसे झाड़ू वाले भाई लोग, सफाई वाले भाई लोग, तो उसका कुछ पक्के नहीं कर पाए थे, तो पेंडिंग हो गया था। तो ये केस, ये हड़ताल सीधा कोर्ट में गया, फिर वहाँ भी बातें हुई और केजरीवाल CM साहब के घर के सामने बड़ी हड़ताल हुई, और उसी चुनाव के दिन भी सीधे 5000 कर्मचारी को पक्के करने की खबर आई थी। वैसे तो मैं एक ही पार्टी को ज़्यादा देखता हूँ कि इतनी नौकरी दी, उतनी नौकरी दी, बाकी तो मुझे कहीं ऐसा सुनाई आया नहीं है। लेकिन अब आपको अपना हक मांगने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा। तो ये थी स्पेशल न्यूज़। लाइक करें के जाए, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबाएं। स्पेशल नए वीडियो के साथ जल्द मिलता हूँ।